सारे हीरो उनके लिए एक समान होते हैं, लेकिन अगर रत्नाकर जी के पर्सनल फेवरेट एक्टर के बारे में अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो आप किसको मानते हैं? खेसारी को ही मानता हूँ। खेसारी लाल यादव को मानते हैं? बिल्कुल। पवन सिंह को कहते हैं? खेसारी और पवन सिंह का अगर कोई कंपैरिजन करे तो उस कंपैरिजन को कहते? कंपैरिजन नहीं है, दोनों लोगों की आइडेंटिटी अलग है, उनकी एक आइडेंटिटी अलग है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्षिता सिंह और आज हम पहुंच गए हैं भोजपुरी अवार्ड फंक्शन में और हमारे साथ जो चेहरा है आप देखिए, जाना माना चेहरा है, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी का बेहद जाना माना चेहरा जो जिन्होंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है भोजपुरी में, रत्नाकर जी हमारे साथ है जो कि भोजपुरी में एक से बढ़कर एक अच्छे फिल्मों के महारथी है। रत्नाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रत्नाकर जी पहले तो आपसे भोजपुरी अवार्ड फंक्शन जहां पाए उसके बारे में चाहूंगी, किसके बारे में पहले आप कुछ बताएं। और ये एक ऐसा मंच है जहां पे सारे लोग एक साथ जुटते हैं और जो सालों का काम है उनका रिजल्ट आता है, तो ये इस बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड विनोद जी ये काफी सालों से भोजपुरी को एक नई जगह देते आए, तो उसमें सब लोग एक साथ जुटते हैं और एक जो एप्रिसिएशन है वो मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से होता है। रत्नाकर जी अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि रत्नाकर एक जो नाम है भोजपुरी जगत का, वो इसलिए भी जाना जाता है कि भाई भोजपुरी में एक से बढ़कर एक फिल्में देते हैं, महारथी माने जाते हैं, और इस बार आपके पिटारे से नया क्या निकल? नया जो है वो संघर्ष 2 है। तो हम लोगों ने जो हमेशा जो मूवी मैं बनाता हूँ तो वो एक अपनी सोच के साथ बनाता हूँ और कि लोग उसको देखें और उस ढंग से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे, बेसिकली वही प्लान रहता है कि और हमसे भी बेहतर बनाए, तो मैं बेहतर बनाता हूँ तो हमारे से भी बेहतर जो है लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके लिए बहुत लोगों का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है फिल्मों को लेकर। संघर्ष 2 की अगर हम बात करें तो हमारे दर्शकों ने भी देखा कि भोजपुरी में जो संघर्ष 2 आप लेकर के आ रहे हो उसमें खेसारी लाल का अगर हम उनके लुक की बात करें तो भाई लुक बेहद कमाल का है और मुझे लगता है कि भोजपुरी में ये बिल्कुल ही नया प्रयोग है क्योंकि अभी तक किसी भी एक्टर का वो लुक नजर नहीं आया, तो संघर्ष 2 संघर्ष से कितनी अलग होगी और क्या इसमें खास है जो दर्शक भी काफी उत्सुक है? वो पोस्टर रिलीज होने के बाद तो भाई दर्शकों में पूछिए मत कि किस तरह की उत्सुकता है, वो गन के साथ जो तस्वीरें आई है या वो गन ही नहीं, इसमें ऐसे ऐसे सीन्स हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं जो एक घरेलू जो बिहार को दर्शाता है और चीजों को बहुत बड़ा बनाता है और बिहार एंड यूपी की जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी दिखती है इस फिल्म में और जितने लोगों ने इसमें काम किया वो एक बहुत मतलब एक अलग ढंग से काम किया, लुक पे काम हुआ, हम लोगों ने बैंकॉक शूट किया उसको करीबन काफी दिनों तक, फिर गोरखपुर शूट किया हम लोगों ने, बहुत एक बट कहानी तो घरेलू ही है बट जो चीजें हैं जो देखने को जो लोगों ने नहीं देखा है वो भोजपुरी में देखने को मिलेगा इस फिल्म में। अगर बात करें खेसारी के साथ आपकी काम की तो संघर्ष के बाद से कहा जाता था कि ये जोड़ी टूट गई है, तब से भोजपुरी में कुछ नया देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही संघर्ष 2 का अनाउंसमेंट होता है और एक बार फिर से रत्नाकर कुमार और खेसारी लाल यादव जब साथ आते हैं तो ये ऐसी हलचल हो जाती है कि भाई अब तो धमाका होने वाला है। वो हमसे एक्सपेक्ट भी करते कि बीच में गैप हो और अच्छी पिक्चर जो है वो उनके लिए मैं बनाऊं और संघर्ष में भी वैसा ही था, उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि आप बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, तो संघर्ष 2 का प्लान भी जो खेसारी जी का था तो हम लोगों ने कहा इस पर काफी रिसर्च काफी हुआ था, तो पिक्चर है तो वो करते हैं बट जो एक्सक्लूसिविटी एक जो पिक्चर की होती है जो कॉन्सेप्ट है या हम बेहतर और क्या दे सकते हैं, तो वो उनको एक हम लोगों पर भरोसा है और हम लोगों को उनपे है कि वो एक अच्छा डिलीवरेबल बनते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वैसा आर्टिस्ट खबर ये भी आई थी कि संघर्ष में भी क्लाइमेक्स शूट के लिए आप लोग अभी बाहर जाने वाले थे, तो वहाँ काफी चर्चा में ये शूट भी थी कि भाई भोजपुरी में तो किस तरह की, तो वो एक हेलीकॉप्टर शूट था तो उसमें वो था कि एक हेलीकॉप्टर से जो शूट था वो करना था और वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट का शॉट था बट उसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत थी और डिमांड था तो उसके लिए हम लोगों ने खोज के हेलीकॉप्टर शूट कर ही लिया लेकिन और बहुत बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने। भोजपुरी की हम बात करें तो भोजपुरी में फिलहाल क्योंकि वो सवाल मैं आपसे पूछूंगी नहीं क्योंकि अश्लीलता को लेकर के सवाल करूंगी तो वही घिसा पिटा सवाल है और लगातार ये सवाल हम पूछते ही आ रहे हैं, तो थोड़ा इतर होकर के पूछूंगी कि अब की भोजपुरी और तब की भोजपुरी में कहां कितना अंतर देख रहे हो और कितना अंतर आया है दोनों की भोजपुरी में? 80% सुधार है तो दैट इज कैटेगराइज्ड है, जैसे बॉलीवुड में एबीसी कैटेगरीज होते हैं वैसे ही सेम भोजपुरी में भी एबीसी कैटेगरीज है, तो एक बैरियर है जो तो ए कैटेगरी की मूवी है वो वैसी नहीं बनती है, बी की भी नहीं बनती है, तो अब उसमें एक डिफाइन करना कि कौन, क्योंकि हर एक की सोच अलग अलग होती है, तो एक 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 जो प्रोडक्ट बनता है
तो ए कैटेगरी की जो फिल्में हैं आप उसको उठा के देखिए, लंदन में शूट हो रही है अभी फिल्में, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, बैंकॉक है, स्कॉटलैंड है, तो काठमांडू में हमने शूट भी किया, काठमांडू में भी किया है। तो वो चीजें एक सोच है कि आप कौन एक समझदार आदमी क्या फिल्में बना सकता है, वो इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है उस चीज को। प्लस बहुत सारी चीजें हैं जो एक जो दर्शक को अच्छा नहीं लगता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो जब हमको ही अच्छा नहीं लगेगा तो हमको बनाना ही नहीं चाहिए। तो वो सोच से हम लोग फिल्म बनाते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाए, अच्छे एक प्रोडक्ट दे सकें, डिलीवरेबल, जो बिहार और यूपी और जो अपने जो जानने वाले लैंग्वेज है उसको मिले। देखिए, एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो हर किसी के साथ फिल्में बनाते हैं, सारे हीरो उनके लिए एक समान होते हैं, लेकिन अगर रत्नाकर जी के पर्सनल फेवरेट एक्टर के बारे में अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री का, तो आप किसको मानते हैं? खेसारी को ही मानता हूँ, खेसारी लाल यादव को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा कलाकार है कि वो प्रोड्यूसर के साथ चलता है, काम के साथ चलता है, जो काम को लाइक करे वो दिन रात एक नहीं देखता है वो, क्योंकि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, वैसा आर्टिस्ट होना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। पवन सिंह को कैसे देखते हैं? खेसारी और पवन सिंह का अगर कोई कंपैरिजन करे तो उस कंपैरिजन को कैसे? कंपैरिजन नहीं है, दोनों लोगों की आइडेंटिटी अलग है, उनकी एक आइडेंटिटी अलग है, इनकी एक आइडेंटिटी अलग है। तो हमने एक पिक्चर तो उनके साथ बनाई थी, तो उसके बाद फिर अगर कुछ ऐसा रहा तो 100% उनके साथ भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भोजपुरी के प्रोड्यूसर रत्नाकर जी, जिनसे हमने सवाल जवाब किया, और आपने देखा कि इन्होंने सभी सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने आज बिहार तक पे ये भी बताया कि रत्नाकर जी जो हर हीरो के साथ काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, इनके पर्सनल फेवरेट एक्टर कौन है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।